बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक विथ बिट्टू में। दोस्तों, कभी ऐसा होता है कि आप किसी भी काम के लिए किसी से किसी का आधार कार्ड ले लेते हैं, उस स्थिति में आपको यह पता नहीं होता है कि उसका आधार कार्ड ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। इसका यह परिणाम होता है कि जब आप उस आधार कार्ड का कहीं इस्तेमाल करने जाते हैं तो वहाँ पर आधार कार्ड वेरीफाई नहीं होता है, यानी आपको पता चलता है कि वह आधार कार्ड ओरिजिनल नहीं है यानी कि डुप्लीकेट है। तो किस प्रकार से आप वेरीफाई करेंगे यानी पता करेंगे कि उसका आधार कार्ड ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, इसके चेक करने का मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। एक तरीका ऑफलाइन होने वाला है, दूसरा तरीका ऑनलाइन होने वाला है। दोनों काम आप मोबाइल से ही कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए वीडियो को हम स्किप करते हैं और चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। जैसे कि मैं अभी मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुका हूँ, यहाँ आप देख रहे हैं। सबसे पहले ऑफलाइन में मैं बता रहा हूँ कि कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपना प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। चलिए मैं इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से खोलना है। जैसे प्ले स्टोर पर खोलेंगे तो यह एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। यहाँ दिया गया है आधार QR स्कैनर, इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप जैसे इंस्टॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया है पहले से, तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिखता है, आपको ओपन कर देना है। जैसे आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो आपका इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो आपको करना क्या है, आपको आधार कार्ड को स्कैन करना है। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड हो पे आपको जो है QR कोड दिख रहा है, इस QR कोड को हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। जैसे आप स्कैन करेंगे तो यहाँ पे आधार कार्ड पे जो भी फोटो होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। इसमें आधार कार्ड का सारा डिटेल्स आपको दिख जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर भी दिख जाता है, एड्रेस डेट ऑफ बर्थ यहाँ के साथ साथ यहाँ पे पूरा एड्रेस भी दिख जाता है, और यहाँ मोबाइल वेरीफाई भी ऑप्शन दिख जाता है आपको यहाँ पे। ऐसे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के चेक कर सकते हैं इसका आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, ये भी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों ऑफलाइन। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन की। तो ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सिंपली आपको सर्च करना है क्या, SSUP, इतना लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आधार कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको सबसे ऊपर में ही सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल का यहाँ पे लिंक दिया गया है, इसी वेबसाइट को आपको ओपन करना है। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो ये माई आधार कार्ड जो है वेबसाइट ओपन हो जाता है। इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है वेरीफाई आधार का, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे आधार कार्ड नंबर डाल देना है, जिसका भी आप आधार कार्ड चेक कर रहे हैं उसका आधार नंबर जो है क्या करेंगे, डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो भी दिखा रहा हूँ मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको यह कैप्चा को फिलअप कर देना है। यहाँ पे मैंने आधार कार्ड को ब्लर कर दिया है, तो इसलिए आपको ये घबराना नहीं है कि ये फेक है, क्योंकि मैं आपके सामने में कैप्चा भी टाइप कर रहा हूँ। इसको डालने के बाद यहाँ पर अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, रिफ्रेश पे रिफ्रेश कर सकते हैं। चलिए मैंने रिफ्रेश कर दिया है, एक बार फिर से मैं क्या करता हूँ कैप्चा को डाल लेता हूँ। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड का बटन दिख जाता है, इस पर आपको दबा देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आधार नंबर पूरा यहाँ पे दिख जाता है और बगल में एग्जिस्ट दिख रहा है, यानी यह आधार कार्ड पर मौजूद है, यानी कि यह आधार कार्ड सही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आधार वेरिफिकेशन कम्प्लीटेड यहाँ पे लिख दिया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे एज भी दिख जाता है, कितने से कितने एज के व्यक्ति का यहाँ पे आधार कार्ड है, मेल है या फीमेल है, आधार कार्ड में कौन सा रजिस्टर नंबर है, उसका लास्ट 3 डिजिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरह अगर आपका दिख जाता है तो समझ लेना है कि आपने जिसका भी आधार कार्ड लिया है वह आधार कार्ड ओरिजिनल है। तो दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो पसंद है, तो वीडियो का लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। फ्री मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।